Morning students, first most welcome to you, all of you on my YouTube channels. आज का टॉपिक है संस्कृत से रिलेटेड अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समास में पहले पद को कहते हैं पूर्वपद और अंत वाले पद को कहते हैं उत्तर पद और बीच वाले पद को कहते हैं मध्यम पद। तो वैसे समासी पद न तो पहले पद की प्रधानता हो और न दूसरे पद की प्रधानता हो, बल्कि किसी तीसरे अन्य पद की प्रधानता होती है उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। संस्कृत में आपको प्रश्न दिया हुआ रहता है कि निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास कौन है, बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण दे या विग्रह करें। परीक्षा में इस प्रकार से रहता है, अगर 2 मार्क्स का रहेगा अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहां देखा जाए पीताम्बरः, पीत हो गया आपका पहला पूर्वपद, पीत हो गया पूर्वपद और अंबर हो गया दूसरा पद। नो पीत की प्रधानता नो अंबर की प्रधानता, पीत मैंने पीला अंबर मैंने वस्त्र, इसका विग्रह कीजिए पितानी अंबरानी जस्य स, जो पीले वस्त्र का धारण करते हैं वह यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, क्रमधारय अद्वितीय नहीं होता लेकिन ये यूनिक होता है। अगर विष्णु भगवान हम इंडिकेशन करते हैं पितानी अमरानी जस्य स, जिसके वस्त्र पीले होते हैं, न तो इसमें प्रथम पद की प्रधानता न दूसरे पद की, बल्कि किसी अन्य तीसरे पद को यह संबोधित कर रहा है। महात्मा, महात्मा महा और आत्मा दो पूर्व पद और उत्तर पद, लेकिन इसमें प्रधानता न तो महान का है न तो आत्मा का है। महान आत्मा जस्य स, वो आपका हो गया बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर, चंद्र हो गया पूर्व पद, शेखर हो गया उत्तर पद, न तो चंद्र की प्रधानता है न तो शेखर की प्रधानता है, इसमें अन्य पद की प्रधानता जस्य शेखरे चंद्र सह शंकर भगवान। और चंद्रमुखी, चंद्र इव मुखम यस्या स, वैसी स्त्री जिसका मुख चंद्र के समान हो। देख रहे हैं यहां पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, सा स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, न तो पूर्वपद, संस्कृत में पहले पद को कहते हैं पूर्वपद, दूसरे पद को कहते हैं अंतिम पद को कहते हैं उत्तर पद कहते हैं। और ये एग्जांपल मैंने बताया, आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जांपल, चूंकि परीक्षा में कई तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है, पीताम्बर का विग्रह करें, पीताम्बर कौन सा समास है, निम्नलिखित में से पीताम्बर किस समास का उदाहरण है, एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण दिया, विग्रह करें, बहुत तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस। एक बार और सुन लीजिए, पीताम्बर में पीत हो गया पूर्व, अंबर हो गया उत्तर, लेकिन इसमें दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं है, पितानी अंबरानी जस्य स उसकी प्रधानता है। महान आत्मा जस्य स, न तो महान की प्रधानता न आत्मा की प्रधानता, स की प्रधानता है। चंद्रशेखर जस्य शेखर चंद्र शंकर भगवान की प्रधानता है। चंद्रमुखी, चंद्र इव मुखी जस्य स, वैसे स्त्री जिसका मुख चंद्रमा के चंद्र के समान हो। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आपका टॉपिक, ध्यान रखेंगे बहुव्रीहि समास दुनिया में एक होता है, यूनिक होता है और अद्वितीय होता है, लेकिन क्रमधारय वह अनेक होता है, उसकी संज्ञा जैसे मान लिया जाए महान आत्मा, बहुत सारे लोग महान आत्मा वाले हैं, लेकिन उसका विग्रह इस तरीके से किया जाए कि वह अद्वितीय होगा तो बहुव्रीहि समास होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर फॉरवर्ड करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बहुत व्यूअर, मतलब एक तरह का एक संतोषजनक व्यू आएगा। थैंक यू वेरी मच।